अगर आपको लगता है कि आप दूध के धुले हैं, पक्षपात नहीं करते, दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं, तो ये सब बकवास है, सरासर झूठ है। अरे व्हाट नॉनसेंस। हाय, मेरा नाम है कल्पना और आज की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से जिसे आपको सुलझाना है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक पिता और बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बेटे को देखते ही सर्जन के मुंह से निकलता है कि इसका ऑपरेशन मेरे हाथों से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरा बेटा है। तो अब आप बताइए कि सर्जन और उस लड़के के बीच में क्या रिश्ता है, सोचिए। सवाल ही समझ में नहीं आया मुझे। एक पिता और बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बेटे को देखते ही सर्जन के मुंह से निकलता है कि इसका ऑपरेशन मेरे हाथों से नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरा बेटा है। तो अब आप बताइए कि सर्जन और उस लड़के के बीच में क्या रिश्ता है, सोचिए। बाप बेटे। ऑफ कोर्स दादा होंगे, एक के फादर हैं और एक के दादा हैं। चाचा हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पापा ही होंगे। तो वहाँ पे जो सर्जन है वो दादा भी है और वो पिता भी है। दादाजी और कुड बी अ फादर। सर्जन न दादा है, न चाचा है, न पापा है, सर्जन है उसकी माँ। ईमानदारी से बताइए, आपने भी ये जवाब नहीं सोचा होगा ना? ये तो सोचा ही नहीं था। माँ ख्याल भी नहीं है यार, सॉरी यार। कोई बात नहीं, खुद को जेंडर इक्वालिटी का झंडा बरदार बताने वाले लोग भी अक्सर इस पहेली में गच्चा खा जाते हैं।